I hope you're doing well. So in this video, I'm going to share something about data link layer. See, data link layer is the second layer in your OSI model. पहले आपका physical layer आता है, उससे ऊपर आपका data link layer आता है. तो physical layer में जो हमारे physical transmissions थे, मैंने आपको बताया था, आपके जो zeros, ones होते हैं, वो signals में convert होते हैं, और फिर वो message का form लेके आपके data link layer के पास पहुंच जाते हैं. Data link layer में क्या होता है कि फ्रेमिंग की जाती है. मैंने इसमें आपको बताया था कि फ्रेमिंग हम लोग करते हैं इसमें. फ्रेमिंग होने के बाद वो नेटवर्क लेयर पे जाता है. नेटवर्क लेयर में पैकेट्स फॉर्म होते हैं. तो वो जो फ्रेमिंग की जाती है डेटा लिंक लेयर में, डेटा लिंक लेयर के अंदर भी कुछ लेयर्स होती हैं जिनके कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपना कुछ पर्टिकुलर काम होता है. तो डेटा लिंक लेयर के अंदर आपकी दो लेयर्स होती हैं. एक आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है, एक आपकी सब लेयर होती है. दिस इज डेटा लिंक कंट्रोल. इसको बोलते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर. सी, दिस इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर. तो फर्स्ट लेयर इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर. सेकेंड लेयर होती है आपकी मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल लेयर. ओके, तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर जो आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसमें क्या काम होता है, इसमें एरर्स को फाइंड आउट करने का काम होता है. और किस फ्लो में हमें मैसेज को भेजना है, हमें मैसेज को जल्दी भेजना है, हमें मैसेज को लेट करना है, कहीं कोलिशन ना हो, तो वो सब चीज़ें जो सिंक्रोनाइजेशन है पर्टिकुलर की, हमें डेटा को किस तरह से आगे फॉरवर्ड करना है, वो काम आपका लॉजिकल लिंक लेयर में होता है. दूसरी लेयर होती है मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर. मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर में क्या किया जाता है कि कोलिशन को अवॉइड करने के लिए, तो हमने क्या किया, कोलिशन को अवॉइड करने के लिए, और कोलिशन जब अवॉइड होगा तो क्या होगा, डेटा कंजेशन नहीं होगा. तो कोलिशन अवॉइड हो गया और कंजेशन अवॉइड हो गया. तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर को हम मैक लेयर भी कहते हैं, या फिर इसको मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल लेयर भी इसको बताते हैं. सो व्हेन मल्टीपल यूजर्स एक्सेसिंग सेम लिंक टू ट्रांसमिट डेटा. अब मल्टीपल एक्सेस नाम है, मल्टीपल एक्सेस का क्या मतलब होता है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा फ्रेम्स उसको एक्सेस कर पाए, जहां पे एक से ज्यादा फ्रेम एक टाइम पे ट्रांसमिट हो पाए. तो एक ही पर्टिकुलर लिंक पे जब एक से ज्यादा फ्रेम्स आपके ट्रांसमिट हो रहे हो, वो आपका इस लेयर में काम होता है सारा का सारा. और जो एरर कंट्रोल का काम होता है, वो आपका इस वाले लेयर में काम होता है. तो जब फिजिकल लेयर से ऊपर ये डेटा लिंक लेयर के पास पहुंचता है, तो उसी हिसाब से इसमें काम किया जाता है. पहली लेयर में इसके एरर्स को रिमूव किया जाता है, और दूसरे लेयर्स में जो भी इसका कंजेशन है, या हमें अगर हमारे बहुत सारे फ्रेम्स हैं, तो हमें उनको किस तरह से अरेंज करना है कि कोलिजन अवॉइड हो, जल्दी से जल्दी हमारा मैसेज, जो हमारे फ्रेम्स बने हैं, वो हम नेटवर्क लेयर के पास पहुंचा दें. तो इसमें क्या हुआ, ये आपकी लोअर सब लेयर है. सो व्हेन नोड्स आर कनेक्टेड एंड यूज अ कॉमन लिंक कॉल्ड मल्टी पॉइंट और ब्रॉडकास्ट लिंक. तो जिस पर्टिकुलर लिंक पिक के ऊपर वो सारे फ्रेम्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज योर ब्रॉडकास्ट लिंक. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डेटा लिंक लेयर की, इसकी दो लेयर्स हैं और ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है. डेटा लिंक कंट्रोल लेयर है, इसके अंदर जो हमने प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. उसमें क्या है कि जितने भी आपके स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स हैं, जो एरर्स को और फ्लो कंट्रोल को हेल्प करते हैं हमें बताने में, वो सारे इस वीडियो में, जैसे आपका स्टॉप एंड वेट है, या स्टॉप एंड वेट ARQ है आपका, सो दैट प्रोटोकॉल्स आर इंक्लूडेड इन योर लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर. जबकि आपके मैक लेयर में क्या क्या किया जाता है, मैक लेयर में आपके एक होता है रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल. सी, दिस इज योर रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल. सेकेंड इज योर कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड थर्ड इज योर चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल. ओके, इसके अंदर आपके तीन प्रोटोकॉल्स होते हैं. अब रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर भी आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आपका अलोहा है, और आपका फिर CSMA है, CSMA CD है, CSMA CA है. अलोहा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अलोहा प्रोटोकॉल्स इज ऑल्सो यूज्ड कि जब एक फ्रेम, बहुत सारे फ्रेम्स आपके एक ही लिंक पे ट्रैवल कर रहे हो, तो कोलिजन अवॉइड करने के लिए ही हम लोग ये सारे टर्म्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप ये समझिए इन शॉर्ट. तो करियर एक्सेस, ये जो है करियर एक्सेस मल्टीपल एक्सेस, इसमें क्या काम होता है, आपका सेंस करने का काम होता है. ठीक है, यानी कि हम लिंक के ऊपर जो हमारे मैसेज आने वाले हैं, उनको पहले से पहले ही सेंस करेंगे, और उसी हिसाब से हम अपने डेटा को आगे ट्रांसमिट करेंगे. ये वाला जो प्रोटोकॉल है, दिस इज ऑल्सो योर कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल, एंड दिस इज योर CSMA
कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल, तो अलोहा हो गया इसमें, सीएसएमए हो गया, सीएसएमए सीडी एंड सीएसएमए सीए। सेकंड इज योर कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन मतलब कि पहले से पहले ही हमने एक लिंक, एक पर्टिकुलर फ्रेम को रिजर्व कर दिया है कि पहले इसी फ्रेम को हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसी स्टेशन के फ्रेम को अलाउ है कि मान लीजिए ए फॉर एग्जांपल है तो ए को रिजर्व कर दिया तो ए ही अपने फ्रेम्स को आगे ट्रांसमिट करेगा। सेकंड इज योर पॉलिंग, पॉलिंग मतलब पहले से ही पॉल किया जाता है कि फर्स्ट ए ट्रांसफर करेगा, बी को अलाउ है या सी अलाउड है, तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। थर्ड होता है आपका टोकन पासिंग, इस पे क्या होता है कि टोकन विल रिवॉल्व सो द डिवाइसेस विल होल्ड टोकन, तो इसमें क्या होगा टोकन जो होगा वो आपका एक एक पर्टिकुलर को दे दिया जाएगा और उसको रिवॉल्व किया जाएगा कि मान लीजिए ए बी सी आपकी कैटेगरी है तो पहले हमने ए को दे दिया वो, फिर बी, फिर सी, उसके बाद पहले फिर बी ए सी, सी ए बी, इस टाइप से वो रिवॉल्व होता रहता है, तो डिवाइसेस को भी चांस मिल जाता है उसको होल्ड करने का और डेटा को ट्रांसमिट करने का। नाउ इफ आई टॉक अबाउट चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, इसके अंदर क्या होता है, चैनल से आप लोग समझ रहे होंगे, चैनल्स यू नो वी यूज इन फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल, सो एफडीएमए क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे हम लोग एफएम्स देखते हैं तो उनकी एक अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसी हिसाब से कि इस फ्रीक्वेंसी अगर ये आती है तो ये वाला मैसेज आपका आगे ट्रांसमिट किया जाएगा। ये होता है आपका टाइम डिवीजन प्रोटोकॉल, सो दिस इज हाउ यू नो योर लेयर वर्क्स। तो पहली लेयर में आपका एरर कंट्रोल का काम होता है, आपके फ्लो कंट्रोल का काम होता है, दूसरी लेयर में आपके ये जितने भी जो भी फ्रेम्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं वो आपस में कोलाइड ना करें उनके प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज़ करते हैं। सो अलोहा का जो एडवांस है, जब अलोहा में हम लोग कुछ और अपडेशन करेंगे तो आपका ये करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बन के आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन प्लीज़ लेट मी नो, सो थैंक यू सो मच।